हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंसियर ब्रेन ब्रीफ। आप सभी का जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज के 47th पार्ट में स्वागत है। दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, स्पेशली जो आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स आईबीपीएस में जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम होता है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस एएफओ, आईसीआर जेआरएफ, आईसीआर एसआरएफ, आईसीआर नेट का एग्जाम होता है, या नवाड एफसीआई के जो एग्जाम होते हैं, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर के जो एग्जाम होते हैं, तो उन सभी के लिए भी ये सीरीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो दूसरे इफको के एग्जाम हो, ये नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के एग्जाम हो, तो जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, उनके लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रंगीनी एंड कुसुमी आर द टू स्ट्रेन्स ऑफ डैश इंसेक्ट इन इंडिया। तो जो रंगीनी एंड कुसुमी है, ये दो स्ट्रेन्स हैं, किस इंसेक्ट्स की स्ट्रेन्स हैं भारत में, व्हाइट फ्लाई की, लैक इंसेक्ट की, लाइगस वर्ग की या थ्रिप्स की। तो जो रंगीनी एंड कुसुमी है, ये दोनों जो है वो लैक इंसेक्ट की स्ट्रेन्स हैं इंडिया में। नेक्स्ट इज लाइगस वर्ग इज द सीरियस पेस्ट ऑफ सीड क्रॉप ऑफ। जो लाइगस वर्ग है, ये किस क्रॉप में सीड क्रॉप का मेजर पेस्ट है। तो इसका राइट आंसर है आपका सी कैरेट। लाइगस बग जो है वो कैरेट की सीड क्रॉप में मेजर पेस्ट है। एक्चुअली ये एम्ब्रियो को ही खा जाता है, राइट। नेक्स्ट इज द इंसेक्टिसाइड विच इज यूज्ड इन मॉस्किटो मैट्स। जो मॉस्किटो मैट्स होती हैं, उनमें कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है, एंडोसल्फान, डायाजिनन, मेलाथियन या अल्थ्रिन। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, अलेथ्रिन, राइट। नेक्स्ट इज मस्टर्ड साफ्लाई लेज एग नियर। जो एथेलिया ल्यूजन या एथेलिया प्रॉक्सिमल है, तो ये जो अंडे देती है, ये कहाँ पे देती है, फ्लावर पे, लीफ मार्जिन पे या सोइल सरफेस पे या रूट्स पे। तो जो मस्टर्ड साफ्लाई है, ये जो एग्स ले करती है नियर द लीफ मार्जिन। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज विच पेस्ट ऑफ पोटैटो अटैक्स द ट्यूबर मॉथ इन फील्ड एंड स्टोरेज। इनमें से कौन सा पेस्ट है पोटैटो का, जो कि पोटैटो के ट्यूबर्स को अटैक करता है फील्ड कंडीशन में भी और स्टोरेज में भी। जिसका राइट आंसर है आपका सी, पोटैटो ट्यूबर मॉथ। नेक्स्ट इज फादर ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। इनमें से हु इज रेफर्ड एज फादर ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस का फादर किसे कहा जाता है। जिसका राइट आंसर है आपका बी, आर एच पेंटर को। नेक्स्ट इज पेब्राइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ सिल्क बॉम दैट इज कॉज्ड बाय। जो पेब्राइन डिजीज है सिल्क बॉम में, एक मेजर डिजीज है सिल्क बॉम की, तो ये किसके द्वारा होती है। तो जो पेब्राइन डिजीज है सिल्क बॉम की, ये होती है प्रोटोजोआ के द्वारा। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि जो पेब्राइन डिजीज है सिल्क बॉम की, ये किस प्रोटोजोआ से होती है। तो डिफरेंट प्रोटोजोआ की स्पीसीज, कौन सी प्रोटोजोआ की स्पीसीज से पेब्राइन डिजीज होती है सिल्क बॉम में। इसका राइट आंसर है आपका डी, नोसीमा बॉम्बिसिस। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ जनरेशन एंड इंसेक्ट कंप्लीट इन वन ईयर इन इट्स नेचुरल कंडीशन इज नोन एज। जब एक इंसेक्ट जितनी नंबर ऑफ जनरेशन कंप्लीट करता है एक साल में अंडर द नेचुरल कंडीशन में, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर है आपका ए, बोल्टिनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रेस्टिंग एंड इनएक्टिव स्टेज इन द इंसेक्ट लाइफ साइकिल। जो एक इंसेक्ट होता है, उसके लाइफ साइकिल में रेस्टिंग या इनएक्टिव स्टेज कौन सी स्टेज को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है आपका सी, द प्यूपा स्टेज। जो प्यूपा स्टेज होती है, उसको हम रेस्टिंग या इनएक्टिव स्टेज कहते हैं एक इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में। इंसेक्ट्स विच फीड ऑन वन टाइप ऑफ फूड आर कॉल्ड। ऐसे इंसेक्ट जो कि एक ही टाइप के फूड के ऊपर फीड करते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर है आपका बी, मोनोफेगस, राइट। जैसे कि व्हाइट फ्लाई जो है आपकी पॉलीफेगस है, कितनी ज्यादा उसकी होस्ट रेंज है, राइट। 2022 वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्डेड टू, जो 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज है, ये किसको दिया गया। इसका राइट आंसर है आपका ए, सिंथिया रोजिनबेक को। नेक्स्ट इज पीएम किसान इज ए स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। जो पीएम किसान स्कीम है, ये कौन सी ईयर में इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका राइट आंसर है आपका सी, 2019 में, 2019 में। SMAM, स्पैम मींस, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, सोइल मिशन, सोइल मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर मिशन, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट, सब मिशन ऑन एक्वाकल्चर मैनेजमेंट। दिस मैम जो है, दैट इज एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। नेक्स्ट इज
जीरो टिलेज इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस विच, जो जीरो टिलेज टेक्निक है एग्रीकल्चर में, तो ये क्या करती है? परमानेंट सोइल कवर को मेंटेन करती है, या नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को बढ़ाती है, या जो सोइल न्यूट्रिशन है उसको एनहांस करती है, या ऑल ऑफ अब? इसका राइट आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ अब। विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैज द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी, दैट इज द स्पीसीज, मोस्ट स्पीसीज लिविंग टूडे? तो कौन से ग्रुप को बिलोंग करती है? इसका राइट आंसर है आपका डी, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो ग्रुप है प्लांट्स का, उसमें सबसे ज्यादा स्पीसीज हैं, ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी है प्लांट्स की। नेक्स्ट इज ऑक्सिनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, ऑक्सिनोमीटर जो होता है यूज किया जाता है किस चीज को मेजर करने के लिए? इसका राइट आंसर है आपका सी, ग्रोथ एक्टिविटी। लाइकन इन्वॉल्व्स टू ऑर्गेनिजम्स, एज जो लाइकन्स होते हैं जो दो ऑर्गेनिजम्स को इन्वॉल्व करते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, तो इसका राइट आंसर है आपका एल्गी एंड फंगी को। नेक्स्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड इज, जो मेजर सोर्स है शुगर का पूरे वर्ल्ड में वो कौन सा है? तो दैट इज योर शुगर केन। हु अमंग द फॉलोइंग कॉइंड द टर्म बायोटेक्नोलॉजी, जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म थी वो किसके द्वारा कॉइन की गई थी? इसका राइट आंसर है आपका ए, कार्ल एरेक्टे में। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर ब्रांडी। जल्दी हम आपके लिए जो कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जिससे आपके लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनको भी डिटेल में जो टॉपिक एंड डिस्क्रिप्टिव वाइज उसको भी हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। और साथ में जो ICRSRF के एग्जाम है वो भी मोस्ट प्रोबेबली हम कल से हम स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, डिस्कस करना अपने यूट्यूब चैनल पे। तो स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर ब्रांडी। आपके लिए बहुत कुछ है इस चैनल में, और जो भी हमारी वीडियोज हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।